हेलो फ्रेंड, टुडे वी गोइंग टू डिस्कस इफ पुलिस इज नॉट डूइंग एनी इन्वेस्टिगेशन देन व्हाट यू कैन डू विद श्रीशेश कुमार सिंह एडवोकेट. ही हैव एक्सपीरियंस ऑफ 35 ईयर एंड आई एम सिद्धार्थ सिंह. तो हम लोग क्या कर सकते हैं अगर पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन ना करे? मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, 154 धारा 154 155 155 जी. कॉग्निजिबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस मतलब सीरियस ऑफेंस हो या फिर नॉर्मल ऑफेंस. अगर पुलिस अधीक्षक के यहाँ एप्लीकेशन देने पर भी पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, एफआईआर नहीं दर्ज करती है, तब आप 156(3) में एप्लीकेशन डाल सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने जी. और ये उसमें शर्तें दी गई हैं 190 सेक्शन 190 में जी. कुछ शर्तें दी गई हैं उसमें, फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट CGM या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट JM जिसके भी क्षेत्राधिकार में हो, आप वहाँ एप्लीकेशन देंगे तो वो पुलिस से रिपोर्ट मांगकर, उसमें भी कुछ शर्त है 190 में दी रही धारा 190 में जो कुछ शर्तें दी गई हैं उसके अनुसार पुलिस से रिपोर्ट मांगेंगे या उनको खुद सेटिस्फेक्शन कहीं जानकारी मिले कहीं से भी सूत्र हो तो वो पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए आदेश कर सकते हैं. वो 156(3) में होता है. 156(3) में जी, 156(3) जी, धारा एक 156(3) में देंगे जी. और एक 157 में पुलिस जो है वो जांच करेगी, FIR दर्ज करेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी. अगर अपराध सही पाया जाता है तो वो अगली कार्यवाही अपनी जैसा अपराध होगा कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल उस हिसाब से करेगी और नहीं तो फाइनल लगा के समाप्त कर देगी केस को. नहीं तो ये मान लीजिए अगर क्या कहते हैं कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है तो क्या हमें कुछ दूसरे तरीके से मजिस्ट्रेट के पास जाके एप्लीकेशन देनी होगी या फिर वही सेम ही प्रोसेस है दोनों के लिए? जी, अगर सेम जैसे पुलिस के माध्यम से स्टेट बनाम केस, अगर स्टेट केस होता है तो आसानी से इन्वेस्टिगेशन हो जाता है या फिर आप अपने तौर पर सारी पैरवी करें केस के लिए तो आपको फिर मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट लेकर जाना होता है कि पुलिस कोई हमारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है. अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है तो आपके लिए एक रास्ता और खुला है, आप कंप्लेंट दायर कर सकते हैं. अब वो कंप्लेंट होगा 200 में, सेक्शन 200 में, वही सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट CGM या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट उनके कोर्ट पे आप कंप्लेंट दे सकते हैं. कंप्लेंट में वो 200 में आपका बयान दर्ज करेंगे, शपथ पत्र लेंगे, बयान आपका दर्ज करेंगे और 202 में आपके गवाहान के बयान नोट करेंगे, उनसे जिरा करेंगे. अब अगर केस मेड आउट होता 203 सेक्शन में, मैंने आपको बताया 200 में 200 में 202 में गवाहान के बयान लेंगे, 203 में अगर आपके केस में वजन है और वो समझते हैं कॉग्निजेंस लेने लायक है, कॉग्निजेंस नहीं लेने लायक है तो 203 में 203 में उसको खत्म कर देंगे, आपका कंप्लेंट निरस्त कर देंगे. अगर क्या कहते हैं एक्शन लेने लायक नहीं है तो नहीं है. और अगर एक्शन लेने लायक है तो 204 में वो एक आदेश जारी कर देंगे जिसमें अभियुक्त को नोटिस देके तलब कर लेंगे अपने कोर्ट पर. अच्छा, इन दैट केस की हमने FIR पुलिस के पास लिखा दी है जी जी, और पुलिस एक्शन ले रही है या नहीं ले रही है, हाउ वी नो, मतलब हम लोगों को कैसे पता चलेगा, जो आपका जाता है आदमी कंप्लेंट लिखाने वो कैसे जान पाएगा कि पुलिस एक्शन ले रही है या नहीं ले रही है? जब आप जाते हैं वहाँ तो FIR दर्ज करती पुलिस तो उसकी कॉपी आपको निःशुल्क वो उसी समय उपलब्ध करा देंगे, तो इसलिए आपको ये पता चल जाएगा कि क्या कार्यवाही हो रही है कि नहीं हो रही है. नहीं, वो तो उन्होंने केवल FIR की कॉपी हमें दे दी जी. उसके आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है क्या हम उससे डिटेल ले सकते हैं? अगर वो बराबर जो है वो मजिस्ट्रेट जो अपराध होता है उसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को जाती है और वहाँ से मजिस्ट्रेट को सीधे कोर्ट पे वो देते हैं, ट्रायल के लिए भेज दी जाती जी, तो उसकी कॉपी आप कभी भी ले सकते हैं. आप हर पर्चा, मतलब पुलिस बयान लेती है, गवाहान के बयान लेती है, केस तैयार करती है कि एक्चुअल में केस हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई अपराध कारित हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो बयान का पर्चा काटती रहती है और उसकी एक कॉपी जो है पुलिस अधीक्षक के माध्यम से
मजिस्ट्रेट तक जाती है, जहाँ ट्रायल बना होता है जजेस के पास जाती है। नहीं, मान लीजिए पुलिस वो जज के पास भेज रही है, लेकिन अगर जिसने कंप्लेन लिखाई है जो पर्सन है उसको कैसे ये चीज पता चलेगी, अगर वो क्या कहते हैं इतना नॉलेज वाला आदमी नहीं है तो? उसकी कॉपी उसको वही पुलिस से मिल जाती है, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से स्टेशन जाना होगा जी, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से आपको उसकी कॉपी जो है मिलती रहेगी, और उसमें आपका स्टेट खुद आपका केस लड़ेगी, वो स्टेट केस हो जाता है, उसमें राज्य सरकार मुद्दई हो जाती है। मतलब अगर कोई अपराध है और जब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है तो उसमें मुद्दई सरकार हो जाती है, और वही चीज जब आप कंप्लेंट फाइल करते हो जो दोषों में मैं जो आपको बता रहा हूँ, हाँ। तब उसमें आप खुद आपको लड़ना पड़ता, आपको वकील करना पड़ता, आप खुद लड़ते हैं। आपका कंप्लेंट में भी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों हो सकता है। अच्छा, कंप्लेंट में भी ऐसा होता है? जी जी, वो अपराध जो है वहाँ जो है वो कंप्लेंट अपने स्तर पर करते, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती ही नहीं है। मतलब साधारण अपराध और गंभीर अपराध हो सकता है, लेकिन उस पर पुलिस कोई दखल नहीं दे सकती, उसको मजिस्ट्रेट सीधे उस पर ट्रायल करके सजा दे सकता है। मान लीजिए क्या कहते हैं, पुलिस हमको कोई भी कॉपी देने से मना कर रही है, हमारी FIR तो फर्स्ट टाइम उन्होंने लिख ली, लेकिन उन्होंने उसके बाद की जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी कोई भी कॉपी हमें देने से मना कर दी कोर्ट, कि वो जो कोर्ट में आगे पेपर जो भी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो हमें देने से मना कर रहे हैं। मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी या जिसके अपोज में हम लोग कर रहे हैं, वो पार्टी काफी स्ट्रांग है, वो जो इन्वेस्टिगेशन का जो पर्चा होता है, जो काटते हैं बयान, उसकी कॉपी वो सीनियर अफसरों के यहाँ, पुलिस अफसर के यहाँ भेज देते हैं, अब आप कहीं भी जाके उसको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सेम सिटी में हम किसी भी सीनियर ऑफिस में जाके हम जी जी, जो जिरिस्डिक्शन जहाँ होता है, जिसके क्षेत्र में थाना होता है, उसके सर्किल अफसर के यहाँ या पुलिस अधीक्षक के कार्यालय तक ये पर्चे जो बराबर जारी होते डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पुलिस अपने पास नहीं रखती है, उसको जो पर्चा काटती है उसको भेज देती है, तो उसकी सूचित करती है, उसकी फोटोकॉपी रहती होगी और पूरे सिटी में सर्कुलेट कर दी जाती है। पूरे सिटी में नहीं, वो कार्यालय में, पुलिस कार्यालय में चली जाती है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कोर्ट से आपको वो फ्री में आपको मिलेगा, उसकी कॉपी उपलब्ध कराते हैं। और अगर ये सारी कॉपी हमें नहीं मिलती है उनके सीनियर ऑफिस से, तो फिर हम क्या कहते हैं, कोर्ट में जाके, कोर्ट पे जाके मजिस्ट्रेट से एप्लीकेशन लिखेंगे कि पुलिस मेरा ये चीज नहीं, वो आपका हक है, आपको कॉपी उसकी मिल जाएगी, अभियुक्त को तो तुरंत उपलब्ध कराई जाती है जो अभियुक्त हो जाए, और अगर आप स्टेट के काउंसिल हैं तो स्टेट पार्टी हैं तो आपको तो अपने आप मिलेगा, जो आप FIR करते हो तो वो स्टेट केस हो जाता है, जब पुलिस तफ्तीश करती है तो वो स्टेट केस बन जाता है, तो सरकार खुद आपका केस लड़ती है। अपराध तो जो भी होते हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार की है अपराध रोकने की, उसी के तहत वो FIR दर्ज करते हैं। जी, चलिए, ठीक है, थैंक फॉर योर टाइम, ये थी सारी डिटेल, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए वीडियो को, थैंक फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग, और